चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत, चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और एक खबर टुडे के साथ चुनावी संग्राम। शहर के वार्डों की हकीकत जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के अपने अभियान के तहत अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे की टीम अब आ पहुंची है वार्ड क्रमांक 16 में। वार्ड क्रमांक 16 में नाथ मोहल्ला के दक्षिणी लाइन, राजेंद्र नगर, पटेल कॉलोनी, खलीमी कॉलोनी, हयात नगर, भाभी मोहल्ला, खान बावड़ी रोड की पूर्वी लाइन, भील धर्मशाला, गोपाल गौशाला कॉलोनी, टीचर कॉलोनी, बहरा कब्रिस्तान इत्यादि शामिल है। ये वार्ड पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए आरक्षित है। शहर के दूसरे इलाकों की तरह इस वार्ड के मतदाता भी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं और अपने लिए ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो समस्याओं को हल करके वार्ड का विकास कर सके। क्या नाम आपका? आप वार्ड नंबर 16 में रहते हो, यहाँ समस्या क्या क्या रही? बस ये गंदी वाला है, साफ सफाई नहीं है, और क्या है, पानी की भी तकलीफ, पानी नल सुबह क्या आते हैं तो शाम को आने लग गए। तो विकास कैसे हुआ इस वार्ड का? कहाँ विकास कहाँ हुआ, कैसा विकास चाहते हैं, कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, बढ़िया, एक नंबर। आपने चुनाव आ रहे हैं, आपको वोट देना है, तो आप कैसा पार्षद चुनोगे? अब हमें समझ में आएगा, पार्षद चुनेंगे हम तो। पार्टी देखोगे कि आदमी देखोगे? आदमी देखेंगे हम तो। आप वार्ड नंबर 16 के निवासी हो, इस वार्ड का विकास कैसा हुआ? विकास के नाम पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, अभी देखो सड़क भी ऐसी पड़ी हुई है ना, नाले साफ भी बराबर नहीं, टाइम टू टाइम नहीं होती है, उसके बावजूद ये होल है वहाँ पर, वो भी अभी तक चालू नहीं हुआ है। आप कौन से उससे हैं पहले ही बताइए ना। अंबर टीवी से हूँ। नहीं, अंबर टीवी से हैं तो किसके एवज में पूछ रहे हैं? मुझे चुनाव जो हो रहे हैं, जनता हाँ। को चुनाव को चुनना प्रतिनिधि, तो जनता का काम हुआ कि नहीं हुआ अभी? ठीक है, अभी तो हमारी सबसे आपसे यही है कि इस मोहल्ले में जो सड़कें हैं ये सड़कें बनवाई दी जाए, यहाँ पे जो होल लगा हुआ है वो काफ़ी टाइम से बंद है, तो उसको होल को चालू किया जाए, और इस मोहल्ले में जैसे हर दो चार दिन बाद में ही कचरा गाड़ी आती है, तो यहाँ पे एक ऐसा टंकी रख दी जाए जैसे यहाँ पर, क्या अगर बाय द वे नहीं आती है, वो अगर नहीं आती है तो कोई भी पब्लिक है तो उसमें कचरा डाल सकती है, तो जगह जगह गंदगी नहीं होगी। कचरा कंटेनर कहाँ, कचरा कंटेनर यहाँ रखवा दिया जाए, तो जो भी दिक्कत है, अगर जैसे कचरा गाड़ी को किसी रीजन से नहीं आ सकती है, दो तीन दिन नहीं आएगी, तो अपन उसमें डलवा सकते हैं। तो आप कैसा पार्षद चाहते हैं? पार्षद हमें ऐसे ही चाहिए कि जो हमारे सभी जनता को साथ में लेके चले, सारे कामों पर ध्यान दे, अगर जब पार्षद को आगे बढ़ना है तो उन्होंने हमारे वार्ड का काम अच्छे से करेंगे तो ही आगे कुछ हो जाएगा उनका। ये चुनाव आ गए हैं और अपन जनता है, अपने को वोट देना है, देंगे तो अपन पार्षद को देख के देंगे कि पार्टी को? ना तो हम पार्टी को देखेंगे ना हम पार्षद को, जो हमारे हक में अच्छे से काम करेगा, पहली बात हम भी सोच समझ के ही अब कैसे तो वोट देंगे। क्या नाम आपका? अनवर हुसैन। हुसैन जी, वार्ड नंबर 16 के रहवासी जी, आपके वार्ड का विकास कैसा हुआ है? विकास तो ठीक है, विकास तो सब काम था नहीं, जो शुरू से राकेश जी चैलेंज कर गए थे, विकास तो है क्या, बस कुछ थोड़ा रोड वोड है, सफाई नहीं होती उस वार्ड, सबसे बड़ी बात यह है, कर्मचारी आते नहीं है, सफाई कर नाली भरी रहती है, नाली जाम होती है, पानी हमारे गली का पानी बाहर आ जाता है, उस जो उसमें मस्जिद के नवाजे निकलते हैं उसमें बहुत समस्या, हमारे को पाइप डालने का बरसों से कह रहा हूँ मैं, वो पाइप में डल रहा है, बहुत टाइम हो गया, पार्षद जी कहते कहते पाइप डाल दो, हमारे पाइप डाल दो, क्योंकि नवाजे निकलते हैं इधर से, वो पानी गटर का बाहर आ जाता है, सभी कर्मियों के बहुत परेशान है उससे, हमारा वो गटर साफ होती नहीं, पीछे की वो पैसे को देकर साफ करवानी पड़ती है, उसमें बहुत तकलीफ है हमारे को। आपका क्या नाम है? हयात नगर। मेरा नाम साहिल है। साहिल जी, आप भी वैसी वार्ड के रहवासी हैं जी, वार्ड में और क्या समस्या है, क्या जाते हैं किसान का? नाली की समस्या है, जो भी है आपका, आप किसान का चाहते हैं? ये है कि सबसे पहले नाली का सुधार हुआ, नमाजियों को बहुत दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। आप एक युवा हैं और आपको फिर वोट देना है, फिर चुनाव आ गए, जनता का चुनाव है, इस चुनाव में आप पार्षद को चुनेंगे कि पार्टी को? वो तो जो काम करेगा उसको चुनेंगे, तो अच्छा विकास करेगा कि किसको वोट देंगे? वो तो बस जो विकास करेगा उसको देंगे। अभी आपके पास में खड़े आपके रहवासियों ने बताया है कि अब गंदगी की समस्या है, नाली भरी पड़ी है बहुत ज्यादा है, और क्या समस्या आ रही है? गंदगी पीछे की हमारी नाली देख लो, पानी जाता ही नहीं, सबके पाइप जाम है अंदर के, गर्म पानी भरा जाता है, गंदा पानी, और बहुत परेशानी आती है, ये सफाई वाले नहीं आते बराबर, कर्मचारी गाड़ियाँ नहीं आती है सफाई की, कर हमें बहुत परेशानी है, सफाई की मेन समस्या है, मेन समस्या। तो आने वाले समय में जो पार्षद जो भी आएगा तो आप उससे क्या शर्त रखेंगे, किस तरह का विकास चाहेंगे उससे? बस सफाई होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा वार्ड होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, मतलब सफाई होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए, इससे बीमारी नहीं हो, मच्छर नहीं हो, परेशानी नहीं आओ किसी प्रकार की।
अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे की टीम वार्ड परिक्रमा के तहत अब आ चुकी है वार्ड क्रमांक 17 में। इस वार्ड में ईश्वरनगर, खेतलपुर गांव, हममौल कॉलोनी, वन विभाग परिसर, उत्कृष्ट विद्यालय परिसर, चंपा विहार, रिद्धि सिद्धि कॉलोनी, CHL हॉस्पिटल, दुग्ध शीत केंद्र, सौभाग्यमल जैन स्मारक इत्यादि शामिल है। वार्ड क्रमांक 17 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे की टीम ने वार्ड क्रमांक 17 के मतदाताओं से मिलकर उनके मन की बात जानी। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं इस वार्ड के मतदाता। क्या नाम है आपका? वीर सिंह डोडियार। डोडियार जी, आप ईश्वरनगर के वार्ड नंबर 17 के अध्यक्ष भी हैं, विकास के? हाँ, विकास। आपके वार्ड में क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या विकास है, क्या क्या समस्या आ रही है अभी? तो कोई ये पानी की परेशानी, सड़क की या कीचड़ है, गड्ढे हो रहे सड़कों पे। और क्या समस्या है? ये लाइट की भी परेशानी है थोड़ी बहुत। आवास योजना की? तो आवास योजना में मतलब मकान नहीं बने बराबर, वो पैसे मिले नहीं, उनके मकान अधूरे पड़े हुए हैं, चार चार साल हो गए अभी तक पैसा नहीं मिला। किसी को एक किस्त बाकी, किसी को दो किस्त बाकी, किसी को मिला भी नहीं अभी तक। तो ये विकास से संतुष्ट है कि नहीं आप? देखो अभी तो काम हो जाएगा संतुष्ट हो जाएगा, काम नहीं होगा तो संतुष्ट कैसे होना? नहीं हुआ तो ये चुनाव आ रहे हैं। हाँ, तो आप कैसा विकास चाहते हैं आप? सड़कें अच्छी हो जाए, पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाए, मकान बन जाए, तो फिर हम बच्चों के स्कूल का भी थोड़े को होता अच्छा रहे हमारे लिए। आपका क्या नाम है? जमील हुसैन। हुसैन जी, आपके वार्ड में इसमें ईश्वरनगर में क्या क्या समस्या है? बहुत सारी समस्या है साहब। एक तो पानी की बहुत समस्या है यहाँ पे, पाइपलाइन में गंदा पानी आ रहा है, कम से कम 4 महीने से लोग गंदा पानी पी रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं। दूसरा, ये सड़कें फाटक से लेके तो अपने खेतलपुर तक ये सड़क बनी नहीं है, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, दुर्घटना का बहुत रहता है। ये देख लो गड्ढा आपके सामने ही है, ऐसी बहुत सारी समस्या है। उसके अलावा विकास संबंधित कोई कार्य नहीं हुए है। आवास योजना में बहुत से लोगों को पैसे बाकी है और जो आते हैं वो पैसे मांगते हैं, पैसे डालो तो किस्त डल जाए। कौन मांगता है? कुछ आते हैं जो ये अपने नगर निगम नहीं, ये सिविक सेंटर से आते हैं, पैसे मांगते हैं, बोले आप पैसे डालो आप लोगों की किस्तें डल जाएगी। बहुत से लोगों से पैसे की मांग की, ये आवास योजना की। आवास योजना जी हाँ। मतलब यहाँ के विकास आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो आपके विकास तो हुआ ही नहीं ना सर, कहाँ हुआ विकास बताओ? प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ मकान बने, बाकी वार्ड में तो कुछ भी नहीं हुआ। तो आप कैसा पार्षद चाहते हैं? हम पार्षद ऐसा चाहते हैं कि वार्ड का अच्छा विकास हो, यानी यहाँ के लोगों को कोई किसी तरह की समस्या नहीं हो। वार्ड पार्षद ऐसा होना चाहिए जो अपने वार्ड की समस्या का समाधान कर सके। क्या नाम है आपका? शांतिलाल। शांतिलाल जी, आपके 17 नंबर वार्ड में क्या विकास हुआ और क्या विकास नहीं हुआ? विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं हुआ है, और रोड ये ऐसी हालत है कि अभी थोड़ा सा पानी गिरा तो निकलना मुश्किल हो जाए। छोटे बच्चे बच्चे वगैरह स्कूल भी जाते हैं तो फिसलते हैं। बहुत सी बार आवेदन भी दे दिया पर सड़क के नाम से कुछ भी नहीं बना अभी तक। और पानी, बारिश का पानी भी सड़क पे ही निकलता है तो निकल नहीं सकते, बारिश होती थोड़ी बहुत। तो आपके पार्षद ने जो विकास करना था वो नहीं किया? नहीं किया पार्षद ने। तो अब आप कैसा पार्षद चाहते हैं? जो हमारा काम करे ऐसा पार्षद चाहते हैं। तो अब आप किस पार्षद को वोट देंगे कि पार्टी को वोट देंगे? पार्टी को जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे। शहर के वार्डों की सच्चाई जानने के लिए निकली अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे की टीम अब आ चुकी है वार्ड क्रमांक 18 में। वार्ड क्रमांक 18 में सैनिक कॉलोनी का भाग, टाटा नगर, शांति निकेतन इत्यादि शामिल है। ये वार्ड पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए आरक्षित है। शहर के दूसरे इलाकों की तरह यहाँ के मतदाता भी जर्जर हो रही सड़कों, पेयजल का संकट जैसी समस्याओं से परेशान है। वे चाहते हैं कि चुनाव से उन्हें एक ऐसा प्रतिनिधि मिले जो उनकी समस्याओं को दूर कर सके। क्या नाम है आपका? राम नारायण सुरणकार। जी, आप वार्ड नंबर 18 के निवासी हैं। हाँ। आपके वार्ड का विकास कैसा हुआ? कुछ भी विकास नहीं हुआ आज तक। ये देख रहे सामने नजर आ रहा है, सड़क टूट रही फूट रही है। ये देखो, ये वायर देखो आप, ये मरने की तैयारी कर रहे हैं कि मर जाए, यही मोहल्ले वाले मर जाए इस तार में लपेट आके। ये कुछ भी नहीं, सारे उलझ रहे, मतलब ये सब तारे उलझ रहे। वो देखो आप, ये सड़क यहाँ से वहाँ तक, गटर में कोई सफाई करने नहीं आता, न हरिजन आते, न गाड़ी आती, न कोई नहीं आती साफ सफाई करने। ये सब कटरे कटरे से भरी हुई है। आपके वार्ड में विकास नहीं हुआ तो क्या आप इस वार्ड के विकास से संतुष्ट हैं? ये संतुष्ट कैसे, बहुत असंतोष है साहब, बहुत ही असंतोष है हमको।
पार्षद को के परेशान हो गए। हमें न तो कोई सड़क बनाते नहीं, इधर ये साफ सफाई होती है अच्छी, क्रम नहीं, ऐसा हो गया टू व्हीलर भी निकलने में मुश्किल होती है, एक दूसरे को पास करना पड़ता है। शुरू से ही विकास नहीं हुआ है, मर्जी माफी जो मकान बढ़ रहे हैं, अतिक्रमण हो रहा है, टू व्हीलर अभी ये नहीं आए, गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो उसको निकलने में, थ्री व्हीलर तो टू व्हीलर फोर व्हीलर तो निकलने में मुश्किल है इस रोड से। अभी तक ये खोज दी सिविल सिस्टम की, लेकिन अभी तक इसको ढंग से ठीक से नहीं हुआ। ये रोड देखो कितने खड्डे पड़ रहे हैं, समस्या है, कोई विकास नहीं, सभी समस्या है। यहाँ विकास चाहते हैं हम, विकास सभी टाइप का चाहते हैं यहाँ पे, एक 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 समस्या नहीं है, कई टाइप की समस्या है यहाँ पे। आप देखिए जब से ये इनको रिपेयरिंग के लिए किया है, यहाँ पे पाइपलाइन डली है वो सीमेंटेड कर आज तक नहीं करी इन्होंने। दूसरी बात, आप वायर देख रहे हैं सामने लटक रहे हैं, ये MPB ने पैसा लेके और खम्भे अपने हिसाब से गाड़ दिए। मैंने जाके शिकायत करी तो वो बोले कि पैसे तुम्हारे लगेंगे, गलती हमने करी है उसकी सजा आपको भुगतना है। तो कल मैं उनके पास गया था धाकड़ के पास में, JE के पास में, उसने कहा कि आज आके मैं देखूंगा, मगर बोले कि ये करेक्ट नहीं होगी। मैंने कहा ये गलती आप करोगे तो करेक्ट नहीं होगी, पर ये बात मैं आपको आपके टाइम चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप बाहर जाके और पूरा इसको वीडियो में के माध्यम से बताएं कि कितनी मतलब ये से बता रहे हैं कि आपके वार्ड में बहुत समस्या आ रही है जी, और चुनाव फिर आ गए हैं, तो आप पार्टी को वोट देंगे जी, पार्षद के विकास को दिक्कत नहीं? नहीं, पार्टी को देंगे ना, पार्षद का कुछ काम ही नहीं है, क्या करा है पार्षद ने? आप देख सकते हो ये अगर रजिस्टर में देखी जाए तो 20 फीट की रोड है और ये 8 फीट में हो गई है, यह तो अतिक्रमण है। ये अगर किसी को अगर इमरजेंसी हो, अगर रिक्शा भी ऑटो जाना हो तो ऑटो नहीं जा सकता है, ये स्थिति है गाड़ियाँ खड़ी होने के बाद, ना एम्बुलेंस, अगर कुछ भी अगर दुर्घटना होती है फायर ब्रिगेड तक अंदर नहीं जा सकता, ये स्थिति है हमारी अतिक्रमण की। नगर निगम चुनाव में जनता के मुद्दों को जानने के लिए अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे की टीम शहर के प्रत्येक वार्ड में पहुंच रही है। अब हमारी टीम वार्ड क्रमांक 19 में आ गई। इस वार्ड में धीरे शाह नगर, सैनिक कॉलोनी का भाग, दीनदयाल नगर, EF सेक्टर, दीनदयाल नगर झुग्गी झोपड़ी, VIP नगर, ओसवाल नगर, हिम्मत नगर, साई मंदिर, हिम्मत विहार, ग्लोबस गोल्ड सिटी कॉलोनी इत्यादि शामिल है। इस वार्ड के अलग अलग इलाकों की अलग अलग समस्याएं हैं। ये वार्ड अनारक्षित होकर महिला वार्ड है, इस वार्ड से सामान्य वर्ग की महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं। वार्ड के मतदाताओं ने अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे के कैमरे पर खुलकर अपने मन की बात रखी। आप वार्ड नंबर 19 के रहवासी, क्या नाम आपका? मेरा नाम ज्योति है। तो आपके वार्ड में समस्या क्या रही है? ये पीछे सब ऐसा गंदी वाड़ा पड़िया ने बगीचों बता दे रहा, सब दूर बगीचा लगी गई, माना तो बगीचा ही लगी। आप इस वार्ड के विकास से संतोष है आपको? हाँ, संतोष है आपको? काम हुआ? कई काम नहीं हुआ, सब मानते असो ज गई, सड़क भी कोई ढंगरी वाणा ही नहीं गया, ये पानी अटने भरे रोनी कोई नारी है कई कौन ढंगरी ये समस्या। बस वो पीछे गार्डन की हमारे इधर गंदी वाड़ा, ये बदबू आती सब, और ये गाड़ी वाले कचरा गाड़ी वाले भी नहीं आते टाइम से, चार चार दिन आठ आठ दिन में आते। अभी चुनाव आ गए, आप किस तरह का विकास चाहते हैं, कैसा पार्षद चाहते हैं? अच्छा और क्या, मतलब अच्छा। तो अब आप जो चुनाव में वोट देंगे ये पार्टी को देंगे या पार्षद को दिक्कत देंगे? जो अच्छा काम करेंगे उसको। विकास कैसा हुआ? ठीक है। समस्या क्या क्या आ रही है? समस्या तो कोई खास नहीं है, पर ये जो रोड बना है अभी अभी बनाया है, इसका क्या ढलान मकान की तरफ दिया है जबकि सामने जगह खाली है पूरी, और नाली नहीं दी है। इसका जो पानी घर का भी निकलता करता ढोलते हैं ना, तो इसमें नाली नहीं बनाई गई। ठीक है उनका जो भी प्लानिंग हो, लेकिन ये रोड का जो निकास पानी जो है वो एक तरफ निकलना था या ढलान उस तरफ होना था तो निकल के जाता था, ये सर सबके घर के सामने भरा था। अब आप कैसा विकास चाहते हैं? यहाँ कैसा विकास होना चाहिए? विकास तो ठीक है, आगे क्या चाहते हैं? आगे और क्या क्या चाहते हैं भाई? कोई भी काम प्लानिंग से हो तो अच्छा रहता है। तो इस बार जो चुनाव आ रहे हैं, आप पार्टी को वोट देंगे कि पार्षद को देख के वोट देंगे? हम तो वर्कर को देख के देंगे। जितेंद्र कुमार, जो वार्ड नंबर 19 के रहवासी हैं जी, हाँ। आपके वार्ड में समस्या क्या रही है? सर एक तो रोड नहीं है इधर, दूसरे बिजली के पोल नहीं है, क्या आए दिन ये समस्या, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं इधर, गाड़ी ये सारी समस्या है सर।
जैसे उन्होंने बताया कि आपके बारे में वो समस्या आ रही है, रोड नहीं है यहाँ पर, गंदगी रोड नहीं है, कीचड़ हो रहा है, लाइट देखो सामने तार लटक रहे बनकर, कोई एमपी वाला है सबको सुनने को तैयार नहीं, सब एक एक एमपी पी वाला ने एक एक कनेक्शन के 10-10 हज़ार रुपये लिए, किस बात के लिए उन्होंने, तो थम्बा एक भी नहीं कट रहा है, वो तार आज देखिए तार किस प्रकार से लटक रहे हैं, विकास से संतोष है कि नहीं आपको, कोई विकास ही नहीं हो रहा है हमारे, तो न बीजेपी सरकार सुन रही है ना कांग्रेस सरकार सुन रही है, सब अपना वोट लेकर अपने घर में जाकर सो रहे हो सब, किसी विधायक ने आने के बाद अभी तक पूछा ही नहीं कि तुम्हारा क्या हो रहा है, कसब सेट ने भी नहीं बताइए आप, जैसे राहुल जी बता रहे हैं कि आपके वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ है, कुछ नेता ना सो रहे सही बात की, और अभी चुनाव आ रहे हैं, इस चुनाव में आप पार्षद को वोट देंगे कि पार्टी को, पार्टी को वोट दे गड्ढे में डालना बोल, देखो ना 3 साल ये केबल आ रही, बड़े बड़े अफसर आ जाते कार लेके फोटो ले जाते चले जाते, कोई नहीं करते थे कहीं, मतलब कंप्लेंट भी करी वहाँ पर फावड़ा। नगर निगम चुनाव में कौन से मुद्दे अपना असर दिखाएंगे, ये जानने के लिए वार्ड दर वार्ड घूम रही अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे की टीम वार्ड क्रमांक 20 में मौजूद है। इस वार्ड में दीनदयाल नगर, एबीसीडी सेक्टर, सैफी नगर, श्रीनगर, नेमिनाथ नगर, ईश प्रेम बस्ती, बड़ा कब्रिस्तान इत्यादि शामिल है। ये वार्ड पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। यहाँ के मतदाता अपने लिए कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं और उनकी प्राथमिकताएं क्या है, ये सब बातें मतदाताओं ने कैमरे के सामने कही। आइए जानते हैं मतदाताओं की राय। विकास जी, आप वार्ड नंबर 20 के रहवासी हैं, आपके वार्ड में विकास कैसा हुआ? 20 बता दिया, ये वार्ड नंबर 20 है, इस वार्ड नंबर में आपके समस्या क्या आई है, विकास कैसा हुआ? समस्या ये है कि यहाँ पर रात में लाइट पूरे चारों कोनों पे नहीं है, और आए दिन यहाँ पे लड़के बहुत रात को 12-12, 1-1 बजे तक यहाँ पे बैठते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं, और पानी की बहुत समस्या है यहाँ पे भी, जैसे अभी हमने ये पानी हमारे पैसे से ही लगवाया है, ये नली जा रही ना, मतलब यहाँ के विकास से संतुष्ट नहीं आपको? हाँ, रोड भी अभी बनी नहीं है, पार्षद आया ही नहीं है। क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक जी, वार्ड नंबर 20 में आपके वार्ड में कितना विकास हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ 7 साल से रह रहे हैं। तो किस तरह का विकास होना चाहिए? नल, पानी, सड़क सब भी चाहिए, और क्या चाहिए? तो अभी के विकास से संतोष नहीं आपको? विकास तो हुआ ही नहीं क्या, संतोष कहाँ से हुआ? तो ये चुनाव जो आ रहा है, इस चुनाव में पार्षद को देख को देख के वोट देंगे कि पार्टी को? जो काम करेगा उसको वोट देना। कई कई समस्या है, एक तो रोड नहीं है, कच्चो पड़े देख लो भलाई, फोटो भी ले जाओ, और एक बिजली का थम्बा नहीं है, बिजली नहीं है हमारे, अंधेरा में हम ग्लूब जलाते, इतनी देर जागते रहते, इतने जलाते 11-12 बजे तक, फिर बंद कर देते। तो आपके वार्ड का जो पार्षद था उसने काम करा कि नहीं करा? कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। तो अब आप कैसा पार्षद चाहती हूँ, कैसा आदमी होना चाहिए यहाँ? अच्छा में का आएगा ना, काम करेगा तो उसको मान्यता देंगे हम, तो नहीं देखा वोट नहीं दोगे? हाँ नहीं देंगे, अच्छा आदमी चाहिए। हाँ, बेकायदा कुछ भी काम करके दिखाएगा उसको वोट देंगे और उसको मान्यता देंगे हम। क्या समस्या क्या रही? रोड नहीं बन रही, पानी की दिक्कत है, पानी नहीं आ रहा है रोज, मतलब एक दिन आता है वो पानी नहीं आ रहा है, पानी थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। तो यहाँ की जो समस्या है इसको कहीं पार्षद को बताइए आप लोगों ने? वो कहाँ बताए, बताए कि नहीं बताए वो नहीं मेरे को मालूम। तो अब आप कैसा पार्षद चाहते हैं? व्यवस्थित होना चाहिए, रोड अच्छा बनना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए। तो अब पार्षद को लिख के वोट देंगे की पार्टी को देंगे? अब वो तो कैसा पार्षद चुनेंगे आप? अच्छा वाला सुनेंगे ना, अच्छा वाला चाहिए हमको, तो रोड भी बनना चाहिए, पानी भी व्यवस्थित आना चाहिए, हम का जो दौड़ेंगे देखो पानी के लिए। चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत? चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक, चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे के साथ चुनावी संग्राम।